वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम आप क्या कहते हैं, मैं किया मैं नागा that is boomerang for you on your screen तो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे या या वैसी स्विंग हो रही है, नए गेंद से ऐसी पिच पे ऐसी कंडीशंस पे ऐसे बाहर निकालना, जहां से चार हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चार हैं अंदर आ रहे हैं, बेस्ट को दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा, पेस कैरी फॉलो थ्रू यू नेम इट एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर मेंटली एंड फिजिकली। अब इसमें तारीफ नहीं बनती क्या, मैं क्या कहूं, बुमराह बुरी बहुत बुरी बॉलिंग की, बुमराह अच्छा बॉल बोल नहीं, शमी ने चार आउट गलत किए, जडेजा अच्छा बॉलर नहीं है, कुलदीप नहीं, यार मेरे लोग समझ नहीं, इतना क्रिटिसिज्म देते हैं आप, इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं जब तक गाली गलौज करूं कि वो 100 रन से जीत गए। सी जब मैं इट्स लाइक बुमराह बॉलिंग टू अ लेफ्ट हैंडर अराउंड द विकेट, इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे ला के मारता है ये, इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा, जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीटी होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउटस्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से अराउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पढ़ के ऐसे बाहर निकले, बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माई सेल्फ। दूसरी कॉल इरफान पठान, फिर से स्टेटमेंट दे दिया आपने, इरफान पठान कहते हैं कि जसप्रीत बुमराह इज द मोस्ट स्किल्ड बॉलर इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा स्किलफुल बॉलर जसप्रीत बुमराह, तो शाहीन अफरीदी ओपनिंग बैट्समैन है, शाहीन अफरीदी बॉलर नहीं है, 50 ODIs के बाद शाहीन अफरीदी की 99 विकेट्स हैं, द मोस्ट बाय एनी बॉलर आफ्टर फर्स्ट 51 डे इंटरनेशनल्स, नॉट इवन इरफान पठान हैज दिस रिकॉर्ड, नॉट इवन जसप्रीत बुमराह हैज दिस रिकॉर्ड। और इंडिया चलो सियाना है यार, इंडिया की अपनी बैटिंग की एक पूरी लाइनअप है, बॉलिंग की एक पूरी स्ट्रेंथ है। मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है, वो कोई मेनू ऐड असो कर ओवर जड़ा नहीं करता, तो हम उधर का टारगेट करते हैं उसका, उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको यू नो प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। आई नो एक यू नो मागत के साथ, ये शामी भी हों सराज भी हों, एक रूथलेस फास्ट बॉलर चाहिए जो बस मारने का काम करे, एक वो मिसिंग है, तो जो छोड़े ना बस किसी को, आ जा भाई तो सामने आ, जो बदमाशी जो गाली लो। दोस्तों कल भारत इंग्लैंड के खिलाफ बुमराह और शमी के शानदार बॉलिंग के कारण मैच जीता है, अगर वो शुरू में चार विकेट ना लेते तो भारत के जो बाकी जाडेजा और कुलदीप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाना था। और पाकिस्तान मीडिया में वासीम अकरम ने बुमराह का भी दिल खोलकर टीवी पर तारीफ किए हैं, वासीम अकरम ने तो ये तक बोल दिया है बुमराह का जिस हिसाब से बॉल पर कंट्रोल है उस तरह का कंट्रोल वासीम अकरम जी के पास भी नहीं था। और इससे आप अंदाजा ला सकते हो जो डिबेट होती थी साइंस अफरीदी और बुमराह में से कौन बेस्ट बॉलर है वो खत्म हो चुका है। मैं चाहूँगा आप बाकी के पूरा वीडियो देखिए, सिर्फ वासीम अकरम ही नहीं पाकिस्तान के और भी एक्स क्रिकेटर बुमराह और शमी के बहुत ज़्यादा दिल खोलकर तारीफ किए हैं। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए इंडियन बॉलर जो है वो एक तो एक्यूरेट बहुत है, आप देखिए बुमराह जब क्रीज को हिट करता है आई थिंक इज द मोस्ट बैलेंस्ड फास्ट बॉलर ऑन द क्रीज, तो ये एक साइंस है कि इफ यू आर इन कंट्रोल यू विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉल, अगर आप खुद गिर रहे हैं उस वक्त क्रीज में तो कंट्रोल का वो आइडियल है उसका बैलेंस, और हमेशा कैसे जबरदस्त वो यॉर्कर मारता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह शमी ने तो कमाल कर दिए, 5 विकेट उस दिन लिए, 4 आज लिए, जी जी, और उसको तो अब अगर हार्दिक पांडे आता है तो दे हैव टू प्लेस वो जो हाथ से निकलते हुए नजर आता है आपको, आपके पास ऑलमोस्ट 20 मीटर का डिस्टेंस है टू रिएक्ट, जो सीम बॉलर होता है वो 5 मीटर से होना गेंद ने, आप पूरा लाइन में आया है ऐसे बॉल की, एंड सडनली व्हेन इट जस्ट मूव्स फ्रॉम द सीम, सीम लगी और एकदम गेंद मुड़ा है यूं और ऑफ द विकेट, हम बात करते हैं ना कि तेज होता है व्यूअर्स मिसबा, स्विंग इज इन द एयर, इन द एयर एंड सीम इज जब बॉल सीम लगती है, सीम लगती है और ऑफ द पिच जैसे स्पिन होता है बाउंस पे लगने के बाद, तो वो क्योंकि आपके पास डिसीजन मेकिंग का टाइम नहीं है ना, 5 मीटर से मैं तो अपना जिस लाइन में बॉल किया ना मैं आ चुका हूँ, अब अगर वहां से मूव अंदर या बाहर होगी तो मेरे दोनों जो एज हैं बैट के वो उसको बीट कर सकता है बॉल, और बॉल
ऑफ द पिच उनका बॉल ऐसे लगता है डबल स्पीड हो गई है। इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस टीम नाउ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस सीमिंग ट्रैक के ऊपर, मैंने आपसे कहा था 20 ओवर कोई वही लव्स, खाला जी का घर नहीं है यहाँ पे कि आप जाके शॉटें मारेंगे। शॉट्स नहीं लगती यार एज अ बैट्समैन। अगर बैट्समैन से बैठा हुआ ना, बैट्समैन से पूछो नया बॉल कहीं भी खेलोगे आपको प्रॉब्लम होगी। और बुमराह इज लीडिंग द पैक यहाँ पे। बुमराह और शमी को मारना क्या समझा था आपने कि इस इतने सीमिंग ट्रैक के ऊपर जो दो सौ इतने अच्छे सीमर हैं, बेन स्टोक्स ही नहीं लगनी थी जी। बेन स्टोक्स जो मर्जी कर लेता, यहाँ शॉट्स नहीं लगनी थी आपको। आई थिंक इंडिया के सामने इतनी बड़ी कोई टीम है नहीं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया थी जी। ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया थी जी। 2003 में इंडिया भी बहुत अच्छा खेल रही थी जी। उसके सामने बहुत बड़ी टीम थी ऑस्ट्रेलिया जी। लेकिन इस इंडिया की टीम के साथ मेरे ख्याल में कोई ऐसी बड़ी टीम नहीं खड़ी जो इनको चैलेंज करे। आई डोंट थिंक सो। आई पता नहीं लोग अब ये कहेंगे यार ये बहुत ही इंडिया की तारीफें करता है, लेकिन यार लेकिन बुमराह जैसा एटीट्यूड वाला बॉलर ना यार ये बड़े कम आते हैं। ये सिर्फ इसने बॉलिंग अटैक के पूरे स्पिरिट को सिर्फ बुमराह ने उठाया हुआ पूरे एशिया कप से लेके अभी तक, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। और लकीली धर्मशाला में आकाश भाई की बात सुनी गई, शामी आए, आपका एकदम माहौल ही चेंज हो गया जी जी। आप देख ले माहौल ही चेंज हो गया। आज 250 भी कर 230 करना है, ऐसे लग रहा था कि वो 600 चेज करना है। वो क्यों? कि बल्ले बॉलिंग टच नहीं हो रहा, क्योंकि शामी इतना सीम कर रहा है, बुमराह कर रहा है, तराज कर रहा है। जसप्रीत बुमराह की ज्यादा विकेटें क्यों नहीं है 50 ओडीएस के बाद शाहीन अफरीदी से? क्यों शाहीन अफरीदी बेहतर है? उसके स्टैट्स क्या बताते हैं? मुझे ये बताएं, मोहम्मद शमी इंडिया का बॉलर नहीं है? मोहम्मद शमी के 2 5 विकेट हॉल्स हैं वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, किसी इंडियन पेसर के 2 5 विकेट हॉल्स नहीं है। मोहम्मद शमी के सबसे ज्यादा 4 विकेट हॉल्स हैं। आज भी उसने 4 आउट किए 35 रन देकर। उसके पहले 5 ओवर्स में 3 विकेटें थी और सिर्फ 5 रन खाए हुए थे उसने। मोहम्मद शमी को इतनी डिसरिस्पेक्ट क्यों मिलती है? आई आस्क दिस क्वेश्चन इरफान पठान, मुझे बताओ। मोहम्मद शमी फॉर मी इज द बेस्ट बॉलर इन इंडिया राइट नाउ। द बेस्ट पेस बॉलर इन इंडिया इज मोहम्मद शमी। देन देयर इज कुलदीप यादव जो स्पिनर है। जसप्रीत बुमराह थर्ड पे है, ही इज वर्ल्ड क्लास बुमराह, बट राइट नाउ मोहम्मद शमी सो गुड, ही इज सो गुड दैट ही मेक्स जसप्रीत बुमराह लुक एवरेज। दैट इज हाउ गुड इज मोहम्मद शमी। वो जब अपनी पीक पे होता है बुमराह उसके सामने एवरेज लग रहा होता है। इरफान पठान प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू जसप्रीत बुमराह, एट द सेम टाइम गिव इट टू मोहम्मद शमी एज वेल। देखिए नो डाउट अब पाकिस्तान के पास जितने अवेलेबल बॉलर हैं उनमें से साइंसा अफरीदी बेस्ट है, लेकिन साइंसा अफरीदी अब दुनिया के बेस्ट बॉलर नहीं है। अगर उनको थोड़ा मतलब जो पिच पर थोड़ा फास्ट बॉलर को मदद नहीं है उस पिच पर अगर साइंसा अफरीदी को आप खिलाते हो तो वो काफ़ी साधारण बॉलर लगते हैं। अगर जहाँ पर थोड़ा मदद है स्विंग है तो वहाँ पर वो खतरनाक बॉलर बन जाते हैं। लेकिन अगर बुमराह की बात करें, बुमराह का एक्शन की वजह से अगर पिच पर मदद है तो वो बहुत खतरनाक बॉलर होते हैं। अगर पिच पर ना ही मदद हो तो फिर भी वो खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो सही एरिया पर बॉलिंग करते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है साइंसा अफरीदी के अगर कंपेयर करोगे तो। दोनों इंजर्ड हुए थे, दोनों कुछ महीने के लिए बाहर गए थे, लेकिन आप देखो इंजर्ड होने के बाद जो वापस आए, साइंसा अफरीदी का बॉलिंग का फॉर्म आप देख लो, उनका स्पीड कम हुआ है। वे खुद पाकिस्तान मीडिया में ही लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन बुमराह को आप देख लो, बुमराह और ज़्यादा खतरनाक हुए हैं। ठीक है साइंसा अफरीदी यंग है, वो बुमराह के कंपेयर में बहुत और ज़्यादा साल खेलेंगे और शायद अगर एक तरीके से आप कह सकते हो कैरियर दोनों का खत्म होगा तो बुमराह के कंपेयर में साइंसा अफरीदी ज़्यादा विकेट ले ले, लेकिन इम्पैक्टफुल बॉलर के हिसाब से बुमराह को आप देखोगे ना कि साइंसा अफरीदी को। लेकिन पाकिस्तान में तो लोग नहीं मानेंगे क्योंकि उनको लगे कि नहीं उनके जो फास्ट बॉलर है वो बेस्ट बॉलर है। लेकिन अगर उनका 90s का जो सबसे एक तरीके से आप कह सकते हो नंबर वन फास्ट बॉलर अगर वो तारीफ कर रहे हैं और आकिब जावेद वो भी काफ़ी अच्छा बॉलर थे अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो पाकिस्तान मीडिया में बाकी लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उसमें हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। कैसे विराट कोहली का इंसल्ट का बदला कल हमारे टीम ने लिया ग्राउंड पर, आप देखना मत भूलिएगा। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।